बेहतरीन शॉट, जज जरूर क्या क्या था तरुण के द्वारा, लेकिन बेहतरीन शॉट आए जरूर था। आप इस टूर्नामेंट का अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच खेलने के लिए तैयार रहेंगे और इस बीच के जो अंश क्लब कहां की ओर से उनके सामने है गोल कीपर तरुण, बेहतरीन गोल तरुण के पास कोई मौका नहीं, तरुण बाएं ओर भागना चाहते थे और अभी तो चला किसे शॉट को उनके दाएं ओर मार बैठे और फिलहाल स्कोर दो तो न हंसता उनके सामने गोलकीपर सौरभ कांत हंस क्लब का के टाइगर में देखता है कौन सी टीम टाई को यहां पर ब्रेक करती है और अपने आप को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाती है जहां पर उनका सामना होने वाला है फुलंड एफसी के साथ। बेहतरीन शॉट आया जरूर था, गोलकीपर जज भी किए थे लेकिन अफसोस करेंगे यहां पे धोना, शॉट पावर पोस्ट से टकरा कर सीधे बाहर चली गई और इस तरह से मायूस थोड़ी सी नजर आ रही है यहां पर मामा स्विंग टीम। निभाई हुई यहां पर रंस क्लब आंखें की ओर से से भरा ये स्टेडियम हासिल कर मौका है निमाई के पास अपने टीम को बढ़त दिलाने का, काफी लंबा रनअप यहां पर निमाई के द्वारा, बेहतरीन शॉट लेकिन उसने अच्छी बचाव काफी अनुभव के पास तरुण माधो एक आसान सा बचाव उनके लिए और फिलहाल स्कोर फिर से यहां पर एक सीट राष्ट्रीय प्लेयर जशन बराट में विवेक सिंह जा रहे हैं शॉट को लेने के लिए, विवेक के पास स्कोर को बराबर करने का, छोटा रनअप और बेहतरीन गोल गोलकीपर के वायर नेट में यहां पे बॉल को उलझा चुके हैं विवेक सिंह और इसके साथ एक बार फिर से यहां पर बराबरी का मैच चलता हुआ।
फ्रांसिस को बचाकर एक मौका देना चाहेंगे मामा स्पिन की टीम को बढ़त बनाने का। फिलहाल फ्रांसिस तैयार है यहां पर बोल को बेहतरीन शॉट जज जरूर क्या क्या था तरुण के द्वारा, लेकिन शॉट उनसे काफी ऊंची और इस तरह से एक बार फिर से आगे होते हुए यहां पर रन कर पाके की टीम चौथा शॉट बेहतरीन शॉट स्वीकारता हुआ फिर से स्कोर टाई यहां पर बरकरार है, टाई कोई तोड़ नहीं पा रहा अभी तक। कांटे का टक्कर चल रहा है यहां पर बिल्कुल और दर्शक बिल्कुल शांत इस मैच का आनंद लेते हुए अंतिम शॉट और इस मैच यहां पे सबसे शूट आएगा लंबा रन अप बेहतरीन शॉट पर मौका नहीं करूँ के पास और फिर से यहां पर आगे होते हुए अगर इजरा सबसे छूट के तौर पर यहाँ पे गोलकीपर को उतारे हैं हंस क्लब पाके चिकरुल बार मामा एसपी अपने गोलकीपर में तब्दील की है तरुण महतो की जगह पर यहां पर इस बार मैदान में उतारे हैं पब्लो सोरेस और जस्ट नंबर 7 में अंस क्लब कांके की ओर से आप जल्दी देख रहे हो खिलाड़ी हैं अंतिम सोच लेने के लिए वो स्टेपन फुलंडो एफसी आप तैयारी की हालत में रहेंगे और जो भी टीम इस मैच में विनर होगी वो ग्राउंड में रहेंगे। आपके पास 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम होगा रेस्ट करने का। थोड़ी सी यहां पर देख सकते हैं रोमांच और शोर
हैट्रिक स्कोर करें और दूसरे जाने वाला है क्या स्टे पर इसको गोल पे तब्दीली करके टाई को बरकरार रखेंगे। फिलहाल बेहतरीन शॉट, बब्लु सोरेन के पास कोई मौका नहीं और अभी भी टाई बरकरार है। यहाँ पर चले जाने जाते हैं काफी ऊंचे काफी लंबे ठुल्लू सोरेन है उनके सामने। चर्च नंबर 15 ठुल्लू सोरेन काफी लंबा उनका रनअप सामने अनुभवी गोलकीपर चित्रोल सामने है बब्लु सोरेन उनके क्या बब्लु सोरेन ने सोल को रोककर फिर से टाई को बरकरार रखेंगे। फिलहाल सेंडी का ये छोटा सा रनअप काफी ऊंचे करके खिलाड़ी सेंडी बेहतरीन शॉट और उसी के साथ आयरिश क्लब इस टूर्नामेंट की अंतिम क्वार्टर फाइनल में पहुंचने टीम बन चुकी है जिनका सामना होने वाला है के साथ और आज कल कहा कि आप ग्राउंड के अंदर ही रहेंगे, ग्राउंड के अंदर ही रेस्ट करेंगे और